The price of sweater is increased by 8%. If it is increased price is 1566, find the original price. कह रहा है कि एक स्वेटर है, स्वेटर की जो प्राइस है उसकी प्राइस में 8% का इंक्रीज हो गया। मतलब जो भी स्वेटर है, जब स्वेटर जो था जितना दाम था उस दाम का 8% बढ़ जाता है, और उस जब दाम बढ़ता है उस दाम अब मिल रहा है आपको कितना, 1560 रुपये। मैंने पहले जो भी दाम होगा स्वेटर का, लेकिन आप गए उसके बाद क्या हुआ, उसमें 8% का इंक्रीज हो गया, मतलब 8% बढ़ गया उसके दाम में, 8% बढ़ गया, जो कि अब आपको चुकाना पड़ रहा है 1566 रुपया। लेकिन आपको पूछा है बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या है, वो आपको निकालना है। तो मान लो कि लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, उसकी प्राइस जो था है ओरिजिनल प्राइस जो पहले जो प्राइस थी एक्स है, ठीक है, एक्स है, देन रेट ऑफ कितना हुआ उसमें, रेट ऑफ इंक्रीज कितना का इंक्रीज हुआ आपका, 8% का इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इंक्रीज प्राइस कितना था, देखो इंक्रीज प्राइस ऑफ द स्वेटर, इंक्रीज प्राइस ऑफ द स्वेटर मतलब जो एक्स था, एक्स का 8% इंक्रीज कर गया, मतलब जो एक्स था उसका 8% इंक्रीज, मतलब ऐसे इंग्लिश में लिखोगे 8% ऑफ एक्स, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ, या हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, बोथ आर सेम, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स का 8% का मीस गुना होता, ऑफ मीस भी गुना होता, देन 8% देन 8/100 हो जाएगा इंटू आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है, देन आपका हो गया कितना 8x/100 हो गया, ठीक है। देन अब देखो इंक्रीज, अब देखो प्राइस आफ्टर इंक्रीज होने के बाद जो है प्राइस कितना था, पहले तो एक्स था उसमें 8% इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ पोर्शन हुआ, तो इसको ऐड कर दो 8x/100, तो अब कितना, देन आप एलसीएम निकालोगे तो 100, तो यहाँ पर आपका 100x आएगा प्लस आपका 8x आएगा, देन 100+8 108x/100, ठीक है। इतना का इतना आपके अब जो भी खरीदने जाओगे आपको इतना में मिलेगा, वहीं आपको क्या स्वेटर, ठीक है, जो कि उसका स्वेटर का इंक्रीज जब हुआ उसका दाम भी दिया हुआ कितना, 1500 आपका 1566 रुपया, ठीक है। देन तो उसके बराबर इक्वल हो जाए कि नहीं, ये दोनों उसके बराबर इक्वल हो जाएंगे, तो 1566 के देखो यहाँ पे 1566 आपको इंक्रीज वैल्यू मिल रहा है, देन आपको इसके बराबर होगा, देन एक्स इक्वल टू जो है 1566 इंटू आपका इधर डिवाइड में इस साइड जाएगा था मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा तो डिवाइड आएगा, सॉरी 108 है, ठीक है। देन जब आपका आकर देखो तो 6+6 12 कितना हुआ, और उसके बाद आपका 6+12 उसके बाद 17 और 18 हो गया, ठीक है, ठीक है, और ये 8 है 9 हो गया, मतलब जो कहने का मतलब ये 3 का टेबल में है, देन आपका 3 से कैंसिल हो जाएंगे, देन देखो तो ये आपका 3 3 9 और उसका बचा कितना, 9 1 10 होता है, देन आपका 18 3 6 18 हो गया, ये भी आपका 3 3 15 और उसका 3 2 6 3 2 6, ठीक है। फिर देखो 2 4 5 9 6 3 9, देन आपका फिर 3 से कट जाएगा तो 1 और 3 2 6, और देखो ये भी आपका क्या कट जाएगा, 3 से कट जाएंगे, जब 3 से कटेंगे तो आपका 3 1 3 तो आपका 2 22, तो 7 3 21 आपका 1 12, तो 3 4 12 174 हो गया, देखो 7 4 11 12 हो गया, फिर आपका ये 2 1 3 12 3 से कट जाएगा, यदि 3 से कटेगा तो आप क्या करोगे 3 4 12 और यह 3 5 15 24 हो रहा, 8 3 24 हो गया, ठीक है, 8 3 24 हो गया। देन 4 से जब इसको 2 आपका हो गया, देन ये कितना 8 5 13 नहीं कटेगा आपका, तो 2 आपका यह कितना हो गया 50 हो गया, एंड 2 से अब कितना हो गया आपका, जब 28 कट तो 2 2 4 और आपका 9 29, देन आपका करोगे x को इक्वल टू कितना 29 × 50 आया, देन जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 14 आपका 17 आएगा, ठीक है, सॉरी आपका 14 50 होगा, ठीक है, 1450 आपका जो वैल्यू होगा, तो हैंस क्या चीज़ का आपका ओरिजिनल प्राइस, हैंस ओरिजिनल प्राइस ऑफ द
स्वेटर इज 1450, ओके इतना रुपया आपका होगा। तब जाके अगर इसका जूता है, अगर आप कितना परसेंट 8% इंक्रीज होता है, तब आपको इसी स्वेटर का दाम 1450 पर जो मिलता था, वहीं जब आप गए तो उसमें 8% बढ़ गया, तो वहीं स्वेटर आपको मिल रहा है 1566 में मिल रहा है। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू।